सो हे गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर कम बैक इन गेमिंग वर्ल्ड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्री फायर के अंदर जो वॉइस को किस तरीके से चेंज कर सकते हो 2023 के अंदर। जो बिल्कुल नया एंड अच्छा मेथड बताने वाला हूं, जो कि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब में नहीं बताया होगा। अगर बताया भी होगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला एंड आप अपने फ्री फायर में जो वॉइस चेंज नहीं कर सकते हो। देखो दोस्तों, हमारे चैनल की जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, इसी टॉपिक पर बहुत सारे लोगों की मैंने हेल्प किया था और उसमें आप लोग कमेंट भी जाके देख सकते हो, लाइक्स भी बहुत ही मस्त आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी आप लोग अच्छा खासा प्यार दिखाना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कर दो जिसको इसको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना फोन का कंपनी का नाम बता दो कमेंट में, क्योंकि मैं उस चीज में रिसर्च करूंगा। अगर आपका फोन में ये अप्लाई नहीं होता, अगर आपके फोन में ये चेंज नहीं होता है वॉइस, तो मैं उस कंपनी के साथ साथ में रिसर्च करूंगा और आप लोगों के लिए भी ट्रिक लेके आऊंगा अगर आपका नहीं होता है तो। ठीक है, बाय द वे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहना। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपका फ्री फायर जो है आपको अपडेटेड रखना है। ठीक है, आपको फ्री फायर को अपडेट करके रखना है, क्योंकि अपडेट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट मेथड क्या करना है, देखो गाइस, ये जो मेरा पास फोन आप लोग देख रहे हो, ये रियलमी का फोन है, सो इसमें जो है गेम टर्बो सपोर्ट नहीं करेगा। आपका अगर रेडमी का फोन है तो आपका उसमें गेम टर्बो सपोर्ट करने वाला है, उसको आप लोग कहीं से भी इजिली इंस्टॉल कर सकते हो, कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने प्ले स्टोर में जाने वाला हूँ एंड दोस्तों, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर जो मेरा, क्योंकि गेम टर्बो सपोर्ट नहीं करेगा इस फोन में, रियलमी का फोन में, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑफिशियली जो गेम स्पेस है उसको मैं सर्च करूँगा। ठीक है, और दोस्तों देखो, यहाँ पर गेम टर्बो सपोर्ट करेगा इसमें, लेकिन ऑफिशियली जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं थर्ड पार्टी ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास जो यहाँ पर आ चुका है गेम्स का एक एप्लीकेशन ऑफिशियली। ठीक है, दो दो गेम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, गेम्स और हेटेप गेम्स। ठीक है, दो दो आप लोगों को एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोगों को गेम स्पेस सर्च करना, अगर आपका गेम स्पेस सपोर्ट करता है तो गेम स्पेस का एक ऐप आएगा और आप लोग उसको, कोई भी गेम स्पेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हमारे पास जो गेम्स नाम से एक ऐप आया है, इसको मैं, क्योंकि ऑफिशियली मेरे जो फोन में ये सपोर्ट करने वाला है, सो इसको मैं क्लिक कर लिया हूं और इसको मैं इंस्टॉल भी कर चुका हूं। ठीक है, सो यहां पर मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा और ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में जितने भी गेम्स है दोस्तों, यहां पर शो करने लगेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहां पर मेरे पास जो है फ्री फायर मैक्स है, सो इसको मैं क्लिक करने वाला हूं। ठीक है, और उससे पहले आपको यहां पर जो थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हो, गेम फोकस मोड ऑफ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहां पर जो गेम फोकस मोड मेरे पास जो है ऑफ है, सो इसको मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपके सामने जो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है, जिससे दोस्तों आप लोग गेम फोकस मोड को जो ऑन कर सकते हो। यहां पर मैं ओके करके, यहां पर जो मैं देख सकता हूं, ओके कर दिया। ठीक है, और ओके करने के बाद दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो, फ्री फायर मैक्स के बगल में जो है मेरा प्ले का ऑप्शन आ चुका है। सिंपल से यहाँ पर मैं प्ले के ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। ओके, प्ले के ऑप्शन में जैसे मैं क्लिक कर दूंगा, देख सकते हो यहाँ पर जो फोन रोटेट हो चुका है हमारा और गेम फोकस मोड हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर फ्री फायर ओपन होता है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कहीं भी आपका कोने में एक जो पॉपअप करेगा, यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास जो पॉपअप कर चुका है, सो इस पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं सबसे पहले साउंड को कम कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, बिल्कुल ईजी ट्रिक है, कोई भी यहाँ पर जो है आपको हार्ड नहीं लगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो भी ऐड आता है इसको मैं कटआउट कर लेता हूँ। ओके, उसको देखो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कोने में एक पॉपअप कर रहा होगा, सिंपल से यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं एग्जिट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, जैसे आप लोग यहाँ पर निकालोगे, उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो भी आपका गेम स्पेस है, गेम टर्बो है, या फिर जो भी आप लोगों का फोन में सपोर्ट करता है, वो चीज़ यहाँ पर आ चुका है। गेम फोकस मोड, नोटिफिकेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टच ऑप्टिमाइजेशन, जो भी है। इसके बाद देखो यहाँ पर वॉइस कैसे चेंज होगा, वो मैं आपको डायरेक्टली अब बता रहा हूँ। मैं टूल्स दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को, कौन कौन सा टूल्स है यहाँ पर, गेम फोकस मोड, नोटिफिकेशन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर कहीं भी जो हमें वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, सो वॉइस चेंजर का ऑप्शन आपको कैसे लाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखते हो, प्लस का आइकन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिंपल से प्लस के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर टूल्स दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आपके फोन में जो जो टूल्स दिया गया है वही सपोर्ट करेगा, अदरवाइज कोई भी टूल यहाँ पर सपोर्ट नहीं करने वाला, वो आपको बाहर से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टूल्स के ऑप्शन में मैंने गया, नीचे जा रहा हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब, गेम फोकस मोड ऑन, टच ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर रोटेशन लॉक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसके नीचे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वॉइस चेंजर का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल रहा होगा, उसके ऊपर में आपको प्लस का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपल से आपको प्लस के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्लस के ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइड के साइड में आप लोग देखते हो वॉइस चेंजर यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर देख सकते हो वॉइस चेंजर का ऑप्शन हमारा आ चुका है। यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे फिर क्लिक करोगे, आपका वॉइस चेंज एकदम ईजी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद वॉइस चेंज कैसे अप्लाई होगा मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर गेम प्ले करोगे ना, गेम प्ले करने के बाद आप जैसे अपना माइक को ऑन करोगे, उसके बाद दोस्तों आप जब जैसे गेम प्ले करके खेलोगे, उसके बाद आपका टीममेट्स को दोस्तों आपका जो आवाज़ सुनाई देगा। तो चलो मैं यहाँ पर एक बार खेल लेता हूँ। ठीक है,
मैच लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से उनको सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने मैच को स्टार्ट करा, यहाँ पर देख तो मैच जो स्टार्ट हो चुका है, हमारा मैचिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बाय द वे बता देता हूँ कि क्या होने वाला। देखो जैसे कि अभी हमारे साथ जो टीममेट्स, हालांकि ये मैच जो है अकेले मेरे साथ सोलो स्टार्ट हो गया, तो मैं फिर से एक बार बैक कर लेता हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर डुओ या फिर स्क्वाड के साथ खेल के दिखाता हूँ। मैंने जो क्लैश स्क्वाड का एक रैंडम मैच लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पर गेम को स्टार्ट करा, उसके बाद यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, बताना चाहता हूँ। और दोस्तों जिसका भी ये चीज़ नहीं अप्लाई होता है, आप लोग नीचे में अपना जो है अपना कंपनी का जो भी कंपनी का आप फोन चलाते हो वो कमेंट कर दो। और उसके बाद दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो अगर आपका नहीं सपोर्ट होता है बाय द वे, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को जो है गेम टर्बो का कोई ऑफिशियल जो है आप लोगों को मैं ऐप प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग जो है इजी तरीके से वहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर गेम को नया इंस्टॉल किया, इसलिए मुझे यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो माइक आप लोग दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा माइक को आपको ऑन कर देना है। अभी दोस्तों जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना वो चीज़ जो है उनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ जो हमारे टीममेट्स है उनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। और अभी दोस्तों हम यहाँ पर जो गेम आप लोगों को खेल के नहीं अच्छे से दिखा सक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कैमरा के पीछे हूँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा डिस्प्ले। सो इसलिए आप लोग अभी मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि जो चीज़ अभी मैं गेम खेल रहा हूँ ना, तो मेरे जो टीममेट्स हैं उनको जो ये चीज़ आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, जो मैं बोल रहा हूँ उनको वॉइस चेंज मतलब उसको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो वॉइस चेंजर को इनेबल कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों आप लोग आनंद उठा सकते हो, ठीक है। कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर से बताना, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। अब बारी आती है जिनका वॉइस चेंजर सपोर्ट नहीं करेगा या फिर जिसका नहीं कर रहा है, वो उसका आखिर वो करेगा क्या है जिससे उसका जो है वॉइस चेंजर सपोर्ट करे, वो भी अपने फ्री फायर के साथ साथ जो है अपने दोस्तों के साथ खेले और उसका भी वॉइस चेंज हो जाए, आखिर उनको क्या करना होगा, ठीक है। फाइनली मैं वो चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग जो है जितने भी लोग ये वीडियो को देखा, जितने भी लोगों ने वो चीज़ अप्लाई किया इस वीडियो को देखने के बाद, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे, अगर आपके फोन में ये चीज़ नहीं सपोर्ट कर रहा है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, देन आपको करना क्या होगा, आप लोग ध्यान से सुनना, यही आपके लिए सबसे जो बेस्ट लाइन है इस वीडियो का, ठीक है। देखो जिसका जो भी फोन का कंपनी है, आप लोग सबसे पहले तो ये चीज़ कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। उसके बाद जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ये है हमारा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। इसमें दोस्तों आप लोगों को जो यहाँ पर मैं पैसे कैसे कमा रहे हैं या फिर मतलब कुछ अगर बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालता हूँ, पोस्ट ऐसे डालता हूँ जिससे आप लोग जो इजी तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो, एंड आप लोग जो है अपने फ्री फायर के अंदर से जो है डायमंड भी परचेज कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री में, ठीक है। तो जाओ जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और इसी टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैं जो यहाँ पर डालने वाला हूँ गेम टर्बो का बहुत सारा एप्लीकेशन डालने वाला हूँ, जिसमें बहुत सारा आप लोगों को ट्राई करते रहना, एंड जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में सपोर्ट कर जाए, जब तक सपोर्ट नहीं कर आपको ट्राई करते रहना, जब आपके फोन में सपोर्ट कर जाएगा देन आप लोग कितना खुश हो जाओगे आप लोग खुद सोचो, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का, बाय द वे आप लोग सर्च कर सकते हो मुकेश राज के नाम से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के सबसे पहले ज्वाइन कर लो। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है बहुत सारा जो है एप्लीकेशन डालने वाला हूँ, मतलब कि जो गेम टर्बो हो गया, वॉइस चेंजर का गेम स्पेस वाले हो गया, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अगर घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो हम लोग जो उंगली को टेढ़ा करने वाले हैं। बाय द वे हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहो, हमारे चैनल के साथ साथ ज्वाइन करे रहो, आप लोग मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग जो वॉइस चेंजर सपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो जल्दी से जाओ, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनका भी सपोर्ट किया दोस्तों वॉइस चेंजर जिसका सपोर्ट किया, जिसका भी वॉइस चेंज हो चुका है, नीचे कमेंट में जोर से बताना मेरे को, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और अपना फोन का कमेंट जो है करना ही मत भूलना, अपना फोन का कंपनी का, ताकि मुझे भी पता चले एंड पता चले कि आखिर कितने लोग जो है कौन कौन से फोन चला रहे हैं। जिसका ज़्यादा वोटिंग आएगा, जिसका ज़्यादा लोग इसमें जो काउंटिंग होगा, उसी पे मैं फिर से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों को, बट मैं हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम। और हाँ, कमेंट में जरूर से अपना कंपनी का नाम बताना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम।